मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है अकेले में। प्रोसीजर पूरा हो चुका है, इनकी फैमिली को खुशखबरी दे दो। पेशेंट के साथ इनकी फैमिली नहीं है, कोई नहीं आया इनके साथ। दरवाजा बंद कर ले दुआ। क्या बात है अम्मी? तुमसे जितना कहा है ना उस पे अमल करो, बंद करो दरवाजा। इस बात में कोई शक नहीं कि दुआ जी ने हीना जी की सेवा बहुत की, मगर हीना जी की तबीयत फिर पहले जैसी हो सकती है। तू इंसान नहीं शैतान है, जालिम कहेगी, मगर एक बात तू भी जान ले, आज तू चाहे जो कुछ भी कर ले मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूंगी। रुक। ये मुझे मार देगी। अम्मी बचाओ, दुआ दो, बचाओ मुझे, मार देगी ये मुझे, जिंदा नहीं छोड़ेगी, हम सबको बर्बाद कर देगी ये, बचाओ बचाओ। दबाली अम्मी, अम्मी डॉक्टर, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। घबराइए मत आप लोग, घबराइए मत, चलो इन्हें ऊपर लेटाओ। एक सफलतापूर्वक बन गए हैं। अब आपकी बच्चेदानी में वो बीज डाला जाएगा जिससे आपको संतान का सुख मिलेगा। इसे आप मेडिकल साइंस का चमत्कार समझिए। ट्रिगर इंजेक्शन डालने के बाद आपके शरीर में बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको हमें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। नर्स, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना। ओके। सिस्टर, सैंपल लाना। ओके। मुबारक हो हैदर, तुम अब्बू बनने वाले हो और मैं तुम्हारी खानदान के वारिस की माँ। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। दुआ कीजिए होश के साथ साथ इनकी याददाश्त भी वापस आ जाए। ऐ मेरे मौला, रहम फरमा मेरे खुदा, अब हमें मायूस मत करना, अम्मी की याददाश्त वापस आ जाए और इसके बाद हमसे चाहे जो चाहे ले ले, बस अम्मी को बेहतर कर दे मेरे मौला। ये मेरी अम्मी की जान लेने के लिए, ये मेरे अब्बू को खत्म करने के लिए, और ये मुझसे मेरे हैदर को छीनने के लिए। मैंने तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत के जुर्म से कभी बरी किया ही नहीं था।
अम्मी संभल के, रोक लो गजल को, रोक लो उसे, उसे रोक लो, वो हम सबको बर्बाद कर देगी, वो मार देगी मुझे। रोको उसे। अम्मी यहाँ कोई नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, दुआ है ना, हम सब। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। उस पे एतबार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो मेरे दुआ और हैदु को अलग कर देगी, वो मुझे मार देगी, मार देगी मुझे वो। उसने मुझे बहुत मारा है। अम्मी आपकी सेहत खराब हो जाएगी, रोकिए। अब बेटा बहुत जुल्म किया है मुझ पर, मुझे पलंग के बक्से में बंद किया था और मेरा मुंह बंद कर दिया था, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। लेकिन इससे भी उस कमजोर का दिल नहीं भरा, उसने मुझे खिड़की से नीचे फेंक दिया। मुबारक हो अम्मी, लगता है बाजी की याददाश्त वापस आ गई है। वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। हमारे घर की खुशियों को निकलने के लिए आई है वो। अम्मी शांत हो जाइए। खुदा कसम दुआ, मैं भी उसे उसके शातिर इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अम्मी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब वो गजल ना तो हमारे पास आएगी ना ही हमारे घर के आसपास, अब वो सीधा जेल जाएगी। नर्स। यस मैम। वार्ड बॉय को बुलाइएगा। ओके। जी मैम। प्रोसीजर पूरा हो चुका है, इनकी फैमिली को खुशखबरी दे दो कि बहुत जल्द इनकी गोद भरने वाली है। मैम ये अकेले आई थी, पेशेंट के साथ इनकी फैमिली नहीं है, कोई नहीं आया इनके साथ। कोई नहीं आया मतलब इनके लाइफ का इतना बड़ा दिन है, इनकी फैमिली में से कोई नहीं आया इनके साथ। मैडम इनकी किस्मत भी उन्हीं दूसरी औरतों की तरह है जो आए दिन हम इसी हॉस्पिटल में देखते हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि इनके ससुराल वाले बच्चों को लेकर इन पर बहुत दबाव डालते हैं, ये उन्हें बारिश नहीं दे पाए इसलिए इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, इसलिए शायद कोई नहीं आया। या अल्लाह ये कैसा समाज है, औरतों को इन्होंने बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है क्या, कौन समझाए ऐसे लोगों को। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि इनका इलाज सफल हो जाए, इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दो। जी मैम। नर्स मेरे साथ आओ। दुआ मेरी जान, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। अम्मी अकेले में। मना मत करो मेरी जान। अम्मी आपकी तबीयत खराब है, अभी आराम कर लीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात नहीं करती मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। चलिए। चलिए बहन अब आपको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है। दरवाजा बंद कर ले दुआ। क्या बात है अम्मी? तुमसे जितना कहा है ना उस पे अमल करो, बंद करो दरवाजा।
मम्मी क्या कर रही आप, उठिए। नहीं दुआ, मत कह मुझे अम्मी, मैं इस लायक नहीं हूँ बेटा, मैं बदकार हूँ, गुनहगार हूँ। नहीं अम्मी, मुझे माफी दे दे बेटा। अम्मी ऐसा मत कीजिए, तो मुझे मार। अम्मी मार, अम्मी अम्मी मत की, मार मुझे, मैं इस लायक हूँ खुदा। नहीं अम्मी ऐसा मत कीजिए, खुदा के लिए। अब उठिए, इधर बैठिए। अब क्या कर रही है ये? मारो, मारो मुझे, मारो दुआ, मारो। संभालिए खुद को, संभालिए और माफी मांगना बंद कीजिए आप। कैसे ना माफी मांगू दुआ, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारी। उस बदसूरत गजल के बहकावे में आकर मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ? तुम्हें कोसा, तुम्हें घर से बाहर निकाला मैंने, यहाँ तक कि तुम्हें मारने की कोशिश की। खुदा मुझे दोजख में डालेगा, जहन्नुम में चलाएगा, या मेरे पाक परवरदिगार उठा ले मुझे। अम्मी बस कीजिए, खबरदार जो ऐसा बोला तुम, ऐसा मत बोलिए अम्मी, और माफी मांगना बंद कीजिए आप। मैं ना आपको कल दुखी देख सकती थी, ना आज तकलीफ में देख सकती हूँ, और आप माँ हैं। माँ अपने बच्चों के साथ जैसा मर्जी सलूक करें, अम्मी को इजाजत होती है। माफी मांगना बंद कीजिए और मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, वरना खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और बंद कीजिए रोना, वरना मैं ना आपकी शिकायत अपनी सहेली हिना बेगम से कर दूंगी। अपनी सहेली मानती है तो मुझे, नेक सिफत इंसान है तो फरिश्ता है। सब रिश्तेदारों भरम हो गए थे, बस एक सहेलियों का रिश्ता इतना था जो महफूज था। मुझे आपकी बहुत याद आती थी अम्मी। मेरी बच्ची, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं मेरी जान। बहू बनकर आई थी मेरे घर में, बेटी बन गई मेरी। अरे ये सास बहू के झगड़े, ये जलन हसन, ये किस घर में नहीं होता। मगर तुम मेरी जान, तुमने तो सबका दिल जीत लिया और मुझे मुरीद बना लिया अपना। मेरी सबसे अच्छी, सबसे सच्ची, सबसे प्यारी सहेली बन गई तुम दुआ। तुम्हें याद है हम दोनों किसी शॉपिंग जाया करते थे और वो शाम को गपशप चाय पे याद है रात खत्म होती थी मगर अपनी बातें नहीं कभी खत्म होती थी और वो गुलनास की खिंचाई करना जी अम्मी सब कुछ याद है। और ये भी याद है कि आप कैसे हम सबको सिखाया करती थी कि बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते चाहे रोहान की अम्मी आपको कितना भी परेशान कर ले। आप उन्हें कभी कुछ नहीं कहती थी मगर एक बार आपको बहुत गुस्सा आ गया था और आपको याद है आपने क्या कहा था? गुलनास दिल की अच्छी है, बस दिल की अच्छी है पर कान की कच्ची है और उसकी नाक गुलगुले जैसी है याद है ना? मैं भी तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त बन गई थी। सबसे बड़ी दुश्मन बन गए वरना दुआ हम कोई भी गम, कोई भी परेशानी चुटकियों में उसका हल निकालते थे। मगर गजल की अम्मी की मौत, वो हादसा, वो अफसोस मुझे खा गया। मैं गजल के अब्बू को उसका मुआवजा देती रही, गजल की पढ़ाई लिखाई सारा कर चुका है, मगर वो गम, वो मेरे दिल से कभी नहीं गया।
मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी कायनात मुझे कातिलाना करार दे रही है। तुम समझ रही हो ना? जी अम्मी, सब समझ रही हूँ। हम जैसे नेक लोग अगर छोटी सी भी गलती करते हैं ना, तो खुद को जमीर की अदालत में खड़ा कर देते हैं। आप तो किसी बेजुबान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो गजल की अम्मी तो इंसान थी। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है। मेरी सादा दिली मुझे खा गई दुआ। मेरे अफसोस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अम्मी, दुआ मुझे लगा था जब मैं गजल से पहली बार मुखातिब होंगी तो वो मुझसे अपनी अम्मी की मौत का हिसाब मांगेगी। उस शातिर शैतान ने मुझे माफ कर दिया। आपने जो किया वो जानबूझकर तो नहीं किया ना आंटी। अब जिसे जाना था तो 22 साल पहले चली गई। अब उसका कसूरवार मैं आपको क्या कह रहा हूँ? हजार गालियां देती लेकिन मेरे घर से दफा दफा होती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। दुआ, उसने अपनी साजिश के तहत पहला कदम उठाया मुझे माफ करके, और मैं बेवकूफ उसके इस कर्ज के बोझ तले, इस एहसान के तले दबती गई। उसकी हर नाफरमानी, उसकी बदसलूकी, उसकी हर गलती नजरअंदाज करती रही। मैं बेवकूफ, मैं कमकल, तुम दुआ, तुम शुरू से अंत तक सही थी। तुम समझा रही थी लेकिन मैं ना समझ, मैं कुछ नहीं समझी। तुम्हें जब पहली बार शक हुआ था ना, तब तुमने अपने खालाजाद भाई अल्ताफ के साथ उसका निकाह करना चाहा। उस शैतान ने उस पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाया। तुम चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैंने कितनी बड़ी गलती की मैंने दुआ। सहेली थी ना मैं तुम्हारी, तुम पे यकीन कैसे नहीं किया मैंने? मैंने उसका साथ दिया, उस शैतान का। फिर उसने रूहान से निकाह की चाल चली, मैंने उसमें भी हामी भर दी। तुम कहती रही ये गलत है, ये गलत है, लेकिन मैं नहीं समझी। मुझे माफ कर दे दुआ, मैं नहीं समझी। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती दुआ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अंधी हो गई थी। उसकी चालबाजियों की पट्टी बंधी हुई थी मेरी आंखों पर, मेरी अकल पर। मैं संभालिए खुद को, मुझे माफ कर दे दुआ। नहीं, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मेरी जान। दुआ, उसने मेरे हैदू पे बुरी नजर डाली, मैं वो भी नहीं समझ सकी। उसे भाग जाने का नाटक किया। तुम हैदू को रोकने की कोशिश करती रही कि मत जाओ उसे ढूंढने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें ही कमरे में बंद कर दिया। मैं शैतान बन गई थी, जानवरों की तरह सुलूक किया मैंने तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं बेटा, उसने रूहान से निकाह करना चाहा और हैदू से निकाह करके आई। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो गया था, लेकिन मैं समझ नहीं सकी। अम्मी थी तुम्हारी, मुझे तो तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए था, लेकिन मैं ही तुम्हारे जख्म कुरेदती रही। तुम्हें दुआ और गजल दोनों को बराबरी का हक देना होगा। जिस चीज पर दुआ का हक है, उन तमाम चीजों पर गजल का भी बराबरी का हक होना चाहिए। तुम्हारे पैसों पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे जिस्म पर। मैंने ये क्या कर दिया मेरी जान? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की दुआ। मैंने तुम्हें और हैदू को अलग करना चाहा। छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? खुला क्यों नहीं मांगती मेरे बेटे से? मैंने ये क्या कर दिया बेटा? मैं संभालिए खुद को, बैठिए। तुम्हें तो मैंने जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने की नसीहत दी थी ना दुआ, तुम क्यों चुपचाप सहती रही? हर गुनाह के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराती रही,
यहाँ तक कि तुम्हारे अम्मी अब्बू की परवरिश पर सवाल उठाए मैंने और तुम फिर भी कुछ नहीं बोली। मैंने तुम्हें अपने घर से निकालना चाहा। चली क्यों नहीं जाती हैदू की जिंदगी से? अलग क्यों नहीं हो जाती तुम? तभी तो मेरी गजल को, मेरी बच्ची को उसका हक मिलेगा। मैं कैसे भूल गई कि ये घर तुम्हारे बगैर सुना है मेरी जान। ये घर तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा। तुम दिन रात मेहनत नहीं करती तो हमारे सर पे छत न होती बेटा। और मैंने तुम्हें इसी घर से निकालना चाहा। उस बुजात की बातों में आ गई थी मैं। वो जादूगरनी थी, उसकी बातों में आकर मैं ये घर उसके नाम करने चली थी। हैदर के आने से पहले आप गवाह बनकर इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। इन्हीं पेपर्स से धोखा खाकर हैदर ये घर गजल के नाम कर देगा और गजल की जो सौतन है दुआ वो हाथ मलती रह जाएगी। अगर तुम न रोकती तो हम सब सड़क पे आ जाते दुआ। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए दुआ। किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आता। अगर ये तरकीब आपने नहीं बताई होती तो शायद ही मेरी अम्मी की याददाश्त वापस आती, तो उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू। हैदर साहब शुक्रिया की सही हकदार दुआ जी है। उन्होंने जो प्यार हिना जी के लिए दिखाया उसी लगन और उसी कोशिश की वजह से हिना जी ठीक हुई है। आज की दुनिया में तो असली सामान भी नहीं मिलता और आपको दुआ जी जैसी नेक बीवी मिली है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं हैदर जी। सिर्फ हैदर ही नहीं, हम सब भी बड़े खुशनसीब हैं डॉक्टर साहब। दुआ वो फूल है जिसके बगैर अख्तर खानदान के बगीचे की कोई कीमत नहीं। दुआ हम सब के लिए दुआए खैर बन कर आई है। आपने बिल्कुल सही कहा रहा था। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम गलती से भी कभी दुआ का दिल ना दुखाएं, क्योंकि अल्लाह उनसे कीमती तोहफे छीन लेता है जो उन तोहफों की कदर नहीं करते। देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि दुआ जी ने हीना जी की सेवा बहुत की, मगर हीना जी की तबीयत फिर पहले जैसी हो सकती है।